उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। और अल्लाह पाक आप सब कुछ अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज जो है मैं आप लोगों से अपने दोपहर के खाने की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ गाइस। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी, सब्जी जो है वो आई पड़ी है, तो थोड़े से काम काज थे, काम समेटना था, नाश्ते से फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा जो है ना थोड़े से काम शाम जो है ना इधर उधर करके जो है फ्री हो जाऊँ। अब जो है मैं सालन की तैयारी करने लगी हूँ, तो ना इसको जो है ना पहले बल्कि ये बाद में रखूँगी, इसको मैं रखूँगी किचन में। तो सब्जी जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, ये वाला जो स्टूल है ना इसको मैंने अच्छे से धो लिया था साफ से, अब ये हमारे काम आता है। यहाँ पे जो है ना मैं ये रख लेती हूँ, फिर बैठ जाते हैं ऐसे खाना शाना खा लेते हैं। तो गाइज ये जो है सब्जी आई हुई है, ये आप लोग देखें तो ये टमाटर है, और इनको जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, ये जो टमाटर है इनको मैं धो के जो है ना वो फ्रिज में रखूंगी गाइज, इसको जो अभी इधर रख लेती हूँ। आज जो है हमने मंगवाई है, ये देखें गाइज, ये हमने मंगवाए हैं मुंगरे, ये मैं बनाऊंगी कल। बड़े ताज़े ताज़े मुंगरे आए हुए थे, मौसम की सब्जी है ना बहुत मज़ेदार बनते हैं और हम लोग जो है ना शौक से खाते हैं। तो आज जो है आज मैं बना रही हूँ मेथी, ये जो है ना ताज़ी सब्जी आई हुई थी, तो ये देखें गाइस इसको जो है ना मैं निकाल लेती हूँ परात में, बल्कि परात निकाल लूँ गाइस। ये जो है ना इनमें तो इसको जो है मैं कर लेती हूँ और छुरी उठा लूं, ये जो है ना मैंने छुरी उठा ली है। अब जो है ना थोड़ा सा इसको बाहर बनाती हूँ, जल्दी से जो है ना इसको बना लेते हैं ताकि शाम ना हो जाए। अब जो है ना बनाते हैं चिकन के साथ भी बहुत मजेदार बनती है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना आज आलू मेथी बनाते हैं, आलू मेथी भी बहुत मजेदार बनती है। तो इसको जो जी, तो प्यारे प्यारे गाइस मेथी को मैंने धो लिया है, धोने के बाद जो है ना अब इसको मैं काट रही हूँ, जल्दी से जो है काट लेते हैं। गैस का आप लोगों को पता है कोई एतबार नहीं होता आजकल, तो बस ये जब गैस आती है ना उसके बाद जो है ना हमने फटाफट काम करना होता है। तो इसको जो है ना ब्रीक ब्रीक सा ना यहाँ पे ना कटिंग बोर्ड पे ना बहुत जल्दी जल्दी मैं काट लेती हूँ सारी। मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो बस इतनी सी रह गई है, और साथ में ये हरा धनिया इसको भी हम बना लेंगे, इसकी चटनी बनाएंगे गाइस। तो उधर जो है दूध उबाल रही हूँ, दूध को भी देख लेती हूँ ना, इसको जो है ना इसको भी साथ साथ हम सारे काम जो जब मैं किचन में होती हूँ ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि ना मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर लूँ। जब अच्छा जी गाइस जो है ना मेथी मैंने काट ली है, उसका मसाला तैयार है, आज हम बना रहे हैं फ्राइज। तो उसके लिए जो है ना मैंने आलू अच्छे से इतना सा जो है ना मौसमी आलू मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए गाइस ये वाला जो इस तरह का एक आलू लिया है, काफी सारे लिए, उसको मैं धो रही हूँ, तो इधर आके करीब करके ना मैं आप लोगों को दिखाऊं। ठीक है, देखिए गाइस ये जो है ना इधर से आलू, तो इनके बन रहे हैं फ्राइज। ये जो है ना बहुत ताज़ा आलू जो है ना इस मौसम में जो है ना ताज़े आलू आते हैं और बच्चे शौक से खाते हैं ना, आलू की मुख्तलिफ जो है ना मज़े मज़े की डिशेस बना के बच्चों को खिलाई जाए गाइस, तो बच्चे जो है ना बहुत खुश होते हैं। तो इनको जो है मैं अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद फिर सालन शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा इनको पानी में रख लेती हूँ ताकि इनमें जो मट्टी लगी है ना वो थोड़ी सी जो है ना उगल जाएगी, उसके बाद फिर धोने में जल्दी होगी, आसानी होगी।
अच्छा जी, इसको जो है ना चम्मच लगेंगे ना, इसको मैं मिक्स करके चढ़ा देती हूँ गाइस। आप बना रहे हैं आलू वाले चिप्स। गाइस मजेदार जो है ना आलू वाले चिप्स बन रहे हैं। इधर मुकाबले इधर ही कर लो। मजे मजे के आलू हैं और आलू वाले चिप्स खाने का क्या ही बात है। ये देखो इसमें ना अभी मट्टी रह गई है। चलो इसको मैं देखें गाइस, काट लिए हमने। मसाला जो है हम डालेंगे बेसन, कॉर्नफ्लो फ्लोर और कौन सा हल्दी नमक वगैरह सारे मसाले। गाइस मजेदार जो है ना ये देखें, फ्राइज इधर तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म। ठंड में बैठ के खाने का अपना ही मजा है। करें खाना तैयार है। आलू मेथी का सालन गाइस मजेदार जो है। फ्राइज मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे। थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। चावल की रोटी, आलू मेथी का सालन, जिस जिसने खाना है वो आके हमारे साथ खा सकता है। बिस्मिल्लाह करें गाइस, आप सबके लिए जो है ना हाजिर है, नहीं तो मैं खुद खा रही हूँ आप लोगों का हिस्सा। तो गैस जो है ना बहुत कम आ रही है, कुछ सिलेंडर पे बना है, कुछ जो है हम थोड़ा बहुत गैस पे काम कर रहे हैं। तो इसको मैं नहीं खाऊंगी, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं। बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं, अपना बड़ा ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको खुश और खुशहाल रखे। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी नई अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और अल्लाह पाक आपको खुश और खुशहाल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।